देखिए मानस के प्रिय भक्तों, आज हमारे प्रभु रामलय 31 बाण छोड़े लपड़ा था। ध्यान दे हो बात ला, कहे कि सच में राजा रावण ला बार बार मारे, गर्दन ला काटे, फिर सिर ला काटे, फिर गिर जाए, फिर जुड़ जाए, फिर काटे, फिर गिर जाए, फिर काटे, फिर जुड़ जाए, फिर काटे, फिर जाए। और सीता मैया भी मन में सोचे कि बार बार लड़ाई चला थे वहां, बाकी अभी तक के राजा रावण मरे नहीं है। कोनो पूछे कि राजा रावण काबर नहीं मरे थे। अरे मेरे मानस के प्रेमी भक्तों, संत मन की हित की भैया उखर उखर हृदय में बाण काबर नहीं मरा था। ध्यान देखो बहुत सुंदर बात है, हमारे बड़े बड़े संत मन के हीन कि देख भैया राजा रावण मरत काबर नहीं है, उखर सिर जिन्हें जुड़त काबर है, और हमारे प्रभु राम जी ने उखर हृदय में काबर बाण नहीं मारा थे। तो पुनः बहुत सुंदर बात बताई संत मन की, देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमारे राजा रावण महाराज की जो राजा रावण की जो है उखर नाभि में कारी कारी, ध्यान दीजिएगा कई जन की देख कहे उखर नाभि में अर्थात उखर मन में राम मन में सीता रही। ध्यान दीजिएगा बात, राजा रावण के मन में सीता रही से, सीता के मन में कौन रही से, राम रही। ध्यान दे बात, और राम के हृदय में कौन है, पूरा ब्रह्मांड है। बात समझ में आवा थे। देखिए राजा रावण हम मरत काबर नहीं है, काबर राजा रावण के हृदय में कौन बसे है, सीता बसे है। हमेशा सीता सीता कहते हैं, हृदय में सीता बसे है, और सीता के हृदय में कौन बसे है, तो कहे राम बसे है, और राम के हृदय में कौन बसे है, तो कहे सारी ब्रह्मांड बसे है। यदि मान लिया जाए भगवान उठा के बाण यदि हृदय मारा थे तो पूरा ब्रह्मांड नाश हो जही नहीं, देखते भगवान जिन्हें होकर हृदय में बाण मारत नहीं है। कोनो मन की हिस्की सच में को खलब बाण काबर नहीं माना थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये मोह रूपी राजा रावण है, और ज्ञान रूपी राम जिन्हें युद्ध करत है। तो वहां एक संत से जो है सलाह लेवा थे। एक संत कौन है, एक संत जो है विभीषण महाराज है, और विभीषण महाराज ना कहे विभीषण महाराज की ओर देखा थे कि मैं बार बार मारथू बार बार मारथू, बाकी जिन्हें एक सिर काबर आके जोड़ जाते। तो विभीषण महाराज बताइए कि एखन नाभि में का है, एखन नाभि में का है, अमृत कुंड है। ध्यान दीजिएगा, देखिए बकई झन संत मन के मत है कि ओखन नाभि में जिन अमृत कुंड रही से तेला सिर पर तीन झन जाना थी से, ओमे तीन झन कौन है, तो कहला पहला ब्रह्मा, दूसरा मंदोदरी, और तीसरा विभीषण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक के राजा रावण पता नहीं रहे, ऐसे कई संतों के मत है कि जब ओखर नाभि में जब जो है अमृत स्थापन करे है तो बात सिर्फ ब्रह्मा जाना थी से मंदोदरी और विभीषण महाराज। आज विभीषण महाराज वही बात न जो है, आज प्रभु राम ने कहे कि हे राम हे प्रभु, ये राजा रावण मरत नहीं है, एकर एक झन कारण है, तो कहे का कारण है, कहे एकर नाभि में अमृत कुंड है, देखस कि आज तक के हार नहीं हो है, हमेशा एकर जय हो है, तो सबसे पहले तो एकर नाभि में नाभि के अमृत कुंड ला सोखो। ये दोनों दो ठन मत, अब समझ गए, कोई कहे कि ओकर हृदय में सीता की वास है, कोई कहे कि ओकर ओकर हृदय में नाभि में जो है अमृत कुंड है, और यदि सोचा जाए तो बात एक ही है, नहीं का? यदि जिसके जीवन में भक्ति हो जाए, कहीं ना कहीं भक्ति है कि नहीं, लड़ाई करे थे वो खर मन में कौन बसे जी, भक्ति बसे, सीता बसे, भगवान राम किसे मारे। ध्यान दीजिएगा, 31 बाण का बार मारी। ध्यान दो कि खैच सरासन श्रवण लगी छाड़ सरल 31, जब 31 बाण मारे हैं, जितके मेरे 31 बाण मारा थे उसके बाद जो है हमारे लखनलाल जो है बीच में खड़ा हो गए। ध्यान दीजिएगा, प्रभु राम के पास इलामी ने कहा तो भाई दोहा कहा थे कि खैच सरासन श्रवण लगी छाड़ सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। देखिए जब 31 बाण मारे हैं तो एक बाण में हृदय वाले बाण में कौन गए है, बन के कौन गए है, हमारे लखनलाल खड़ा हो गए, कहे कि है प्रभु बड़े भैया राम कहे भैया एक काम मोला और सौंप दे, तो कहे का राजा रावण ला मारे में मोरो भूमिका ला शामिल कर लेगी नहीं का। देखिए तो आज आज लखनलाल जो है ओखर बाण में फल में सर्प बन के जावा थे। बाबा जी लिखे कि रघुनायक सायक चाले मानहु काल फनीस,
काल फली सच में हमारे लखनलाल जो है काखर अवतार है तो कहे शेष नाम के अवतार है, काल के अवतार है, सर्प के अवतार है, आए कि नहीं गा, सर्प के अवतार है, शेष नाम के अवतार है। ओ बाबा जी कहते मानव काल फनीज, जैसे मान लिया ऐसे बाण मारा थे, मान लिया जाए कि ओखर बाण के सामने में नोक में काल है बैठ के जावा थे, काल है मतलब सर्प है मतलब ओखर मौत है आवा थे, ये प्रकार के। अब ध्यान दीजिएगा भैया, जब 31 बाण काबर मारी तो ध्यान देहु ये खस बीमारी, कई संतों के मत है कि राजा रावण के केठन 10-30 और 20 भुजा, 10 और 20 30 नहीं होएगा, 10 और 20 30, तो 30 ला मारे बाद एक साथ गर्दन ला एक साथ भुजा ला काटे के प्रयास करी और एक काबर मारे के प्रयास करी, काबर मारे इस गर्दन ला एक साथ। ध्यान दे हूं एक बात मन ले याद दिलाना चाहूं कि ओखर मन में कौन बसेरी से, सीता बसरी हमेशा सीता सीता। अब हम प्रभु राम जब युद्ध भी करे, राम युद्ध भी करे तो राजा रावण के मन में हृदय में सीता बसे है तो खर मनला विचलित करे बर, ध्यान दीजिएगा वो खर मनला विचलित करे बर, जिसे कोई झगड़ा लड़ाई हुआ थे, झगड़ा लड़ाई हुआ थे और उठे हैं दोनों सब डहाने मुटका चुटका मारवे तो आदमी बौखला जी का हो गया, हुई कि नहीं हुई बखला जी। देखिए हमारे भगवान जो है ओखर मनला विचलित करे बर, देखिए 2 मिनट के 1 मिनट के क्षण भर के लिए ओखर मनला विचलित करे बर, ओखर ध्यान ला बटाए बर। देखिए 31 जब 30 बाण मारे, 31 बाण मारे है तो खर मन जिन्हें विचलित हो गए, ध्यान देहु बात ना। अब एक साथ बाण है लगी नहीं का, जब एक साथ बाण है लगी 10-30 कट गए, 20 भुजा कट गए तो राजा रावण के क्षण मात्र के लिए ओखर मन है सीता के हृदय से वापस, सीता के सीता ना भूल के क्षण मात्र के लिए मतलब ओखर हृदय से गायब हो गए, कोनो मन की ये 30 बाण लो ओखर गर्दन और उखर भुजा ला मारे बर छोड़े है और एक बाण लगे है उखर नाभि ला सोखे बर मारे है और सुंदर और सबो बात सही है। और बाबा जी लिखी सायक एक नाभि पर सोसा, और जैसे ही जब 30 बाण लगे है राजा रावण कर्बला के एकदम, और जैसे ही कर्बला ही भगवान ला मौका मिली, और भगवान ला मौका मिली तो उखर हृदय में बाण मार दी, और जब उखर हृदय में बाण मारे है तब जो है ओखर हृदय के अमृत कुंड सुख गए, या फिर सीता के ओखर हृदय से सीता गायब हो गए 2 मिनट के लिए, और अपर लगे भुज सिर कपि शेष रोसा, ओखर सिर गिर गए अलग हो गए, राजा रावण जो है एक प्रकार से अलग हो गए। बाबा जी कहते हैं बहुत सुंदर भाव देते हैं यहाँ पे आखिर में, भाव बहुत सुंदर है, कहे कि धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, जब राजा रावण है जब कट के गिरे मेरे मानस के प्रेमी भक्तों तो धरनी धसई धर घाव प्रचंडा, ये धरनी में धसन लगी तब सरी हर प्रभु की तो दुई खंडा, भगवान देखी अरे ये तो जो है एकर सिर भी कट गए तभोर यह आवत है, भगवान जी ने उखर फिर दू टुकड़ा करे है, जब दू टुकड़ा करे है तो ध्यान दे हुए बहुत सुंदर चौपाई लिखे बाबा जी, बहुत सुंदर बहुत मार्मिक प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा गरजे मरत घोर रव भारी, ध्यान दे बाद में चौपाई में कि मरत गरजे मरत घोर रव भारी, मरते समय जैसे अब मरत नहीं है और जब मरा थे अब मरे के समय हवा थे तब राजा रावण जोर से गर्जना करे है और जोर से गर्जना करे के बाद का करे है तो बाबा जी बहुत सुंदर बात लिखी कहा राम रन हतौ प्रचारी, कितना सुंदर भाव है आज राजा रावण को देखो कहे कि आज राजा रावण जिन्हें जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत काल प्रभु आवत नाही, आज वही भगवान ओला मारा थे और वही भगवान के नामला आज राजा रावण कहे कहा राम रण हटाओ प्रचारी, कहां है राम, चाहे गुस्सा भले कहे चाहे कुछ भी है राजा रावण का अरे कहां है राम, अरे राम ते कहां है राव खड़ो हो जाओ, ये धन मरते छे वे धन राम की चिल्लाते छे, कितना बड़ा सौभाग्य है मैं और कुछ चिंतन करबो घर पहली आवन सुंदर सुंदर सत्यम शिवम मानस परिवार की सुंदर सा भजन।